नमस्कार साथियों, मैं हूं कृषि जागरण से धनराज नागर, झालावाड़ राजस्थान से। और आज हम यहां पर आए हैं पॉली हाउस पर, जहां पर एक किसान है, इन्होंने अपने ही स्तर पर एक पॉली हाउस लगा रखा है। और हम आज इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने जो है अपने स्तर पर जो पॉली हाउस तैयार किया है, वो पॉली हाउस किस प्रकार से तैयार किया है और इन्होंने इस पॉली हाउस में क्या क्या लगा रखा है। तो स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? जपटमल पाटीदार। पाटीदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे कि आपने जो पॉली हाउस लगाया, तो आपके मन में कैसे विचार आया कि मैं पॉली हाउस लगाकर इसमें मिर्चें लगाऊं या फिर टमाटर लगाऊं या शिमला मिर्च लगाऊं? मैंने क्या है कि सोयाबीन, मक्का, उड़द जो भी फसल बाते थे, वो घाटे का सौदा आता था हर साल। उसमें क्या है कि मुनाफा नहीं था और कोई अच्छी पैदा नहीं होती थी जी। तो फिर मैंने इसमें अपने यूट्यूब पर देखा, यूट्यूब से देख देख कर मैंने मेरे मन में विचार आया कि अपन नेट हाउस बनाए जी, जी। फिर मैंने ये सामान लाया मैं, और मैंने खुद ने ये नेट हाउस तैयार किया। अच्छा अच्छा तो इसमें आपने क्या क्या सामान लाने की आवश्यकता पड़ी आपको, क्या क्या बाजार से आप लेकर आए इसमें? मैं इसमें पहले तो मैंने गड्ढे करवाए, और गड्ढे करवाने के बाद में फिर इसमें मैं गिट्टी, सीमेंट ये ला के मजदूर लगा के, ये जो लोहे के जो पाइप है, ये जो अंदर 2.5 फीट के जो पाइप अंदर लगा के जमीन में और बाहर निकाले जी। उसके बाद में फिर ये ऊपर का अपने जो ढांचा तैयार किया जी, और फिर इसके बाद में नेट लगाई। हाँ। नेट लगाने के बाद में इसे पूरा पैक किया और हका जूता कर बेड बना के। हाँ। और ये अपन ने इसमें शिमला और टमाटर। हाँ। और मिर्ची तीन चीज लगा रखी जी। ये बताएं कि जो मेहनत की आपने और जो लगाया, उसमें मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ी कि आपके ही दम पे आपने काम किया? मजदूर भी किए पर मजदूर कम किए। हाँ हाँ। हमने खुद ने मैंने घर मेहनत ज़्यादा की जी जी जी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार भी इसके लिए अनुदान देती है, फिर आपने इसके लिए जानकारी ली और अनुदान लेने का प्रयास किया? इसकी जानकारी ली थी मैंने जी, पर उसमें क्या है कि सब्सिडी 70% गवर्नमेंट दे रही है जी, 30% अपन को जमा करना पड़ता, तो 30% भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था अपने लिए जी जी जी। इसलिए फिर मैंने सोचा भाई अपन निजी, फिर मैंने निजी बनाया इसको जी। आप बता रहे कि 30% आपको जमा करना था, वो जो 30% राशि उन्होंने आपको बताई वो कितनी थी? वो 13 लाख रुपए के लगभग जी। 13 लाख रुपए आपसे वो लेते, उसके बाद आपको यहाँ पर आकर के वो तैयार करके देते हैं जी। तो आपने आपके स्तर से जो ये पॉली हाउस तैयार किया, उसमें आपको कितना खर्चा हुआ? उसमें मेरे 9 लाख रुपए का खर्चा हुआ, 9 से भी कम ही हुआ, 9 से ज्यादा नहीं हुआ जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपने ही स्तर पर तैयार किया और उसका खर्चा भी कम। बाकी मेहनत वाली बात है, तो आपने मेहनत इसमें ज्यादा की है, आपके घर परिवार वालों ने भी इसमें सहयोग किया होगा? पूरे परिवार ने सहयोग किया जी जी। तो अब आप ये बताइए कि आपने इस पॉली हाउस में क्या क्या लगा रखा है? मैंने लगा रखी है एक तो शिमला मिर्ची लगा रखी है जी जी, ये है अपने कलर्स की जी। और वो जो मिर्ची लगा रखी है वो 10x50 सेमी इंच की जी जी जी। और ये अभिलाष के टमाटर है जी, और उस तरफ है हिम सोना जी जी। तो इस प्रकार से आपने टमाटर और जो है शिमला मिर्च लगा रखी है, साथ ही साथ में जो सिंपल जो मिर्च होती है हमारी लंबी वाली मिर्च, वो भी आपने लगा रखी है। ये बताएं कि इनकी किस्मों के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? ये किस्म के बारे में क्या कि अपने यही अपने दुकान है गाँव में, उनसे जानकारी ली, उन्होंने बताया भाई ये वैरायटी अच्छी है, ये लगाओ आप जी। तो मैंने लगाया तो अच्छी वैरायटी है। ये बताएं कि पानी की क्या व्यवस्था है इनके अंदर? पानी की इसके अंदर मल्चिंग के इसमें अपन ने वो ड्रिप लंबी कर रखी है जी जी। ड्रिप इसके अंदर है ना, ये ड्रिप लगा रखी है अपन ने नीचे जी जी। ये ड्रिप है ये। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी ड्रिप लगा रखी है। तो कितने दिनों में इसमें जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है? इसमें 10 से 15 दिन में सिंचाई करते हैं। अच्छा, और खाद की क्या प्रबंधन है, खाद वाद क्या क्या देना पड़ता है इसमें? खाद इसमें पहले तो हमने देसी गोबर का खाद डाला था इसमें 14 ट्राली जी, वो मिट्टी में मिला और उसमें डबल जुताई करके जी, और फिर बेड बनाए जी। बेड बनाने के बाद में उसके बाद में जो भी इसमें बायोविटा वगैरह जो भी देना था वो फिर इसमें ड्रिप के द्वारा दिए अपने सरपल वगैरह जी जी जी। और रोग की बात करें तो कुछ रोग भी इनमें तो क्या है कि जैसे छोटे मोटे मच्छर वगैरह तो लगते ही हैं इसमें, माथे बंदे की ज्यादा समस्या रहती है, तो ये कंट्रोल हो जाती है छोटे मोटे कीट डालने से। अच्छा, ये बताएंगे पॉली हाउस लगाने से क्या क्या फायदे हैं? ये फायदा है कि एक तो छोटे मोटे जानवर आते हैं इससे पैदा अच्छी होती है। हाँ हाँ। छोटे मोटे कीट नहीं आते हैं, धूप से बच जाए, ठंड से बच जाए, ये फायदा है। और खरपतवार के लिए भी? खरपतवार के लिए मल्चिंग है जी, मल्चिंग से इसके अंदर तो घास उगती नहीं है, और बीच में जो छोटी मोटी खोल देते हैं बार बार निकलते हैं जो उससे आधी तो उगती नहीं है जी। तो जपटमल जी, आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी हमारे सुनने वाले साथियों को दी, निश्चित तौर से हमारे साथी आपकी इस जानकारी का लाभ लेंगे। धन्यवाद।
कुछ कर सकते। तो आपको ये निश्चित तौर से हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, बने रहिएगा कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।